हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज का खास वीडियो उन लोगों के लिए है जो WhatsApp पे अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को WhatsApp अकाउंट भी चलाना है और हम लोग चाहें कि हम लोग जिस WhatsApp अकाउंट से, जिन नंबरों से हम लोग WhatsApp यूज़ कर रहे हैं उस पर हमें कोई कॉल ना कर पाए, या प्राइवेसी के लिए हम लोग बाहर के नंबर WhatsApp पे कैसे यूज़ करें, या WhatsApp को अदर नंबर से कैसे चलाएं अपने ओरिजिनल नंबर के बिना। यानी आपके पास जो फ़ोन के अंदर सिम इंक्लूड है उसको यूज़ में नहीं करके आप अदर कंट्री के नंबर भी यूज़ कर सकते हो, इंडिया के कंट्री के भी नंबर यूज़ कर सकते हो। कैसे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इस वीडियो का है वो गलत उपयोग न करें। ये सिर्फ आपकी प्राइवेसी के लिए है कि आप लोग अपनी प्राइवेसी रखना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कि वो WhatsApp भी यूज़ करे लेकिन उनको उस नंबर पे कोई कॉल न कर पाए। उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप बाहर के नंबर भी ले सकते हो अपने WhatsApp पे, कैसे लोगे वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ एज ए प्रैंक भी कर सकते हो कि मैं वहाँ विदेश में हूँ, वहाँ से WhatsApp पे आपको उसे चैट कर रहा हूँ एज ए प्रैंक के लिए। और विशेष करके बात मैं बता दूँ, जो साइबर क्राइम करते हैं वो लगभग यही नंबर यूज़ करते हैं, जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं इन्हीं नंबरों से यूज़ करके आपको फ्रॉड भी कर सकते हैं। क्योंकि अब जिन नंबरों से हम लोग WhatsApp चलाने वाले हैं उन नंबरों से रियल नंबर से कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो नंबर न तो ट्रैक हो पाते हैं, बिल्कुल फेक नंबर होंगे। तो कैसे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं अभी भी बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो आप कोई से भी कंट्री के नंबर है वो यूज़ में ले सकते हो, और सामने वाले को पता लगेगा कि बंदा बाहर अदर कंट्री से कहीं बात कर रहा है। तो कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। पर ध्यान रहे, ये ज़्यादातर फ्रॉड लोग भी इसको यूज़ करते हैं, तो उससे भी है वो सावधान रहे, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ऐसे ऐप लॉन्च हो गए हैं कि आपके सेम टू सेम नंबर से आपको कॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे नंबर है, मेरे नंबरों को मेरे नंबर से ही कॉल कर सकते हैं, तो कोई भी नंबर है वो ले सकता है सामने वाला जो बंदा है जो आपको फ्रॉड में फंसाना चाहता है। तो इस चीज़ों से है वो बिल्कुल, तो इन चीज़ों से थोड़ी बहुत सावधानी है वो बरतें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमें क्या करना होगा कि हम लोग WhatsApp है वो अपने रियल नंबर से न चला के अदर नंबर से कैसे चलाएंगे, जो नंबर बिल्कुल फेक होगा। क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन यही होती है कि हमें नंबर डालना पड़ता है, नंबर डालने के बाद हमें एक OTP मिलती है और उस OTP को हम लोग डाल के उसके बाद अपना WhatsApp अकाउंट है वो ऑन करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे इसी तरीके से हम लोग WhatsApp पर वो ऑन करेंगे लेकिन नंबर अदर होगा, तो कैसे होगा वो आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप कोई से भी कंट्री के वो नंबर यूज़ में ले सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल के देखते हैं कि हमें क्या करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने एक पहले से ही एक WhatsApp नंबर है वो यूज़ में लिया है, वो भी बाहर का नंबर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लेना, खुद को दिखा दूँगा कि इस तरीके से मैंने वो WhatsApp नंबर है वो यूज़ में लिया है। तो आप खुद है वो एक बार चेक कर ले पहले। तो ये देखिए, ये मैंने नंबर है वो बाहर के नंबर है वो यूज़ लिया है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि जिस ऐप से मैंने नंबर ये लिए हैं, तो आप देख पा रहे हो WhatsApp के अंदर ये नंबर है और सेम टू सेम वही नंबर मैं आपको इस ऐप के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो इन दोनों ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये ऊपर नंबर है, सेम टू सेम यही के यही नंबर है वो मेरे WhatsApp के अंदर डले हुए हैं। तो आपको एक बार चेक करा देता हूँ, ये देखिए लास्ट में 13 है, तो इसमें भी 42-13 है लास्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी VPN डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और टेक्स्ट मी नाम से एक ऐप आता है वो भी आपको गूगल प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। ये दोनों ऐप आपको दिखाई दे रही होंगी मोबाइल स्क्रीन पर। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं फिर भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दोनों ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और सिंपल और आसान तरीके से आप वो WhatsApp फेक नंबर है वो यूज़ में ले सकते हो। तो कोई फेक वीडियो नहीं है, जैसा का जैसा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करो तो आप इजीली है वो फेक WhatsApp नंबर बना सकते हो। लेकिन मेन मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का ये था कि आज के टाइम में लोग इस टाइप का क्राइम है वो बहुत ज़्यादा करते हैं,
तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि इस तरीके से भी व्हाट्सएप है वो बनता है और लोगों को ठग लेते हैं, तो उनसे थोड़ा है वो सावधान रहें। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको कौन कौन से स्टेप है वो फॉलो करने हैं और आप इजीली वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और एक फेक नंबर है वो बना सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले सिक्योर VPN ओपन करना है और जैसे ही ये ओपन हो जाता है, VPN ओपन होने के बाद में आपको यहाँ ऑटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट ईस्ट या वेस्ट कहीं पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में कनेक्ट हो रहा हूँ, ये अपना VPN है वो कनेक्ट हो चुका है, यानी अब मेरे डेटा का जो IPS एड्रेस है वो यूनाइटेड स्टेट का शो होगा, लोकेशन वहीं की आएगी। तो अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, टेक्स मी ओपन करता हूँ। एक प्रॉब्लम भी आती है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अब नए अपडेट में ये प्रॉब्लम आने लगी है, वो भी क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताने वाला। तो दोस्तों बहुत ही यूनिक तरीका लेके आया हूँ आपके लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे आओगे, गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तब आप यहाँ पे देख रहे हो लॉगिन साइनअप विथ मेल। तो यहाँ पे अब हमें नंबर है वो फ्री में क्रिएट नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। यदि हमें फ्री में नंबर मिलते यहां से तो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आता, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट नहीं आया है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और उसके अंदर आपको सर्च करना है मल्टीपल अकाउंट और सर्च करके ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ये डाउनलोड होने के बाद में आपको सिंपली तीनों ऐप है वो यूज़ करनी है। तीनों ऐपों का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो, वरना आप गूगल प्ले स्टोर के अंदर सर्च करके भी कर सकते हो। तो जैसा आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हो। दोस्तों मल्टीपल अकाउंट है वो ऑलरेडी मेरे पहले से ही डाउनलोड था, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ मोबाइल में, और आप पहले भी वीडियो के अंदर देख चुके हो ये मेरे ऑलरेडी डाउनलोड था। तो मैंने प्ले स्टोर में सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही सर्च किया, ताकि आप वो मल्टीपल कुछ सर्च करके वो ईजिली वो डाउनलोड कर सको। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली अब वापस एक बार फिर से VPN में जाना है, उसको सर्च करना है और आपको यूनाइटेड स्टेट पे वो कनेक्ट हो जाना है। तो ये मेरा VPN है वो यूनाइटेड स्टेट में कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट टैक्स में नहीं ओपन करना है, पहले मल्टीपल अकाउंट है वो आपको क्या करना है ओपन करना है। उसके बाद में आपको जो भी ये परमिशन मांगे वो परमिशन आपको अलाउ कर देनी है, और उसके बाद में क्या करना है आपको सिंपली ऐप का है वो क्लोन बनाना है। तो मैं पहले से ऑलरेडी क्लोन बना चुका हूँ इसका, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि मैं ऑलरेडी क्लोन है वो बना चुका हूँ। तो यहाँ से आपको इसको क्या करना है, ओपन करना है। ये देखिए ये ओपन हो गया, गेट स्टार्ट आ गया, उसके बाद आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे तब तुरंत वो आपका अकाउंट है वो क्रिएट आ जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप लोग अकाउंट को क्लोन कैसे करोगे। तो यहाँ प्लस का निशान दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे वो ऐप जो जिसको क्लोन बनाना है उसको क्लोन करोगे तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं इसको ओपन करके आपको पूरा दिखाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तब आप देख पा रहे हो क्रिएट एन अकाउंट आ चुका है और ये बहुत ही कम आता है, तो इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है और यूट्यूब पे आपको बहुत ही कम ये ट्रिक मिलने वाली है। तो ऐसी ट्रिक दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही लेके आता रहता हूँ। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि क्रिएट एन अकाउंट है वो ऑप्शन आ चुका है। तो अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने वाला हूँ मैं। तो जैसे ही मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा उसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सबसे पहले आप जैसे ही मैं क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तब आपको यहाँ पे कोई भी एक जेन्युइन नंबर है वो सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही सेलेक्ट करते हो वो नंबर पहले आप व्हाट्सएप के अंदर लगा के वो चेक कर लेना है कि वो व्हाट्सएप नंबर पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं ये चेक कर लेता हूँ, तो ये व्हाट्सएप नंबर है वो काम कर रहा है। अब मैं वहाँ से जाता हूँ और उसी नंबर को सेलेक्ट करता हूँ और उस नंबर को कंफर्म कर लेता हूँ। उसके बाद आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे ईमेल आईडी है तो मैं कोई भी मेल आईडी दे देता हूँ, पासवर्ड दे देता हूँ और एज लिमिट दे देता हूँ। उसके बाद आप जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है और रजिस्टर्ड कर देना है। तो सिंपली आपको वो नंबर है आपको मिल जाएंगे।
तो ये नंबर है वो मुझे मिल गए हैं। तो अब मुझे बेसिक करना क्या है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अब मुझे वही जो नंबर अभी मिले हैं वो पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, ये नंबर मुझे मिले हैं और वही नंबर मैंने व्हाट्सएप के अंदर डाले हैं। तो अभी वही नंबर मैं आपको वापस व्हाट्सएप पे भी चेक करा देता हूँ जहाँ हम लोगों ने अभी पेंडिंग में मैसेज सेंड नहीं किया, तो सेम टू सेम नंबर वही है। तो अब मैं यहाँ से सर्च कर देता हूँ क्लिक, ध्यान रहे OTP नहीं जाने वाली, तो आप कॉल मी पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप कॉल मी पे क्लिक करोगे तब आपके पास कॉल आ जाएगी, तो कॉल अटेंड करके भी आप OTP सुन सकते हो, और यदि कॉल नहीं आती है तब आपके पास वॉइस मेल है वो भी आ जाएगी। तो दोनों में से आपको जो भी परफेक्ट लगे, या तो वॉइस मेल से कर लेना या फिर आपको एक कॉल आएगी, उस कॉल से कॉल के मैसेज को आप सुनकर के भी आप OTP है वो डाल सकते हो। तो दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे वो बेस्ट ऑप्शन कर लेना। तो अभी मैं वेट करता हूँ कॉल का, तो कॉल तो आ चुकी है, अब जो मेल है उसका वेट करता हूँ कि मेल है वो कब आने वाली है वॉइस मेल। तो ये देखिए वॉइस मेल का भी मेरे पास है वो मैसेज आ चुका है। तो अब उस वॉइस मेल को मैं सुन के आपको बताने वाला हूँ कि वॉइस मेल के अंदर मुझे क्या आया है। तो थोड़ा वेट करता हूँ, वॉइस मेल अभी तक आई नहीं मैसेज के अंदर। ये देखिए वॉइस मेल आ चुकी है, तो उस वॉइस मेल को मैं सुनता हूँ और सुनकर जो OTP मेरे पास आई है वही OTP मैं व्हाट्सएप के ऊपर वो लगाता हूँ। तो वॉइस मेल को सुनेंगे हम लोग, सुनकर जो भी आप OTP आई है उस OTP को मैं वहाँ पे जनरेट करने वाला हूँ। तो देखिए मेरे पास जो OTP आई है वो मैं डाल रहा हूँ, जैसे मैं डालता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट वो क्रिएट हो जाता है। तो ये ट्रिक दोस्तों बहुत ही सिंपल और इजी है, ये वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद ये देखिए ये मेरा अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तब आप यहाँ पे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है वो भर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप कोई भी नंबर से, बाहर के विदेश के नंबर से भी आप अपना व्हाट्सएप है वो यूज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।